फाइल नेम आप सेम रख लो, लेकिन जो आपका पाथ है वो तो सबका ही डिफरेंट रहेगा। थैंक यू मैम, ओके मैम। हाँ जी अमृतपाल, जैसे आपने कहा कि हमने प्रिंट आउट निकालना है, उस प्रिंट आउट में थोड़ी लिंकिंग शो होगी, हमने लिंकिंग की है कि नहीं की, वो तो पेन ड्राइव में शो होगा। नहीं, यू हैव टू अटैच वन सीडी ऑल्सो ना, इन विच यू विल कीप योर प्रोजेक्ट। फुल फ्लेज प्रोजेक्ट इज टू बी कॉपीड ऑन टू द सीडी। वो सीडी आपने प्रोजेक्ट फाइल के पीछे वहां पे पेस्ट करनी है। यू हैव टू पेस्ट दैट। ओके मैम, ओके, सो फुल फ्लेज जितनी भी आप इमेजेस यूज कर रहे हो, आप एक इमेजेस का फोल्डर अलग से बनाओ, तभी वहां से मुझे पाथ पता चलेगा, तभी इट विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट हियर। So we can use that CD for looking at the projects rendering. Okay, so full fledged जितनी भी आपकी जो जो फाइल्स यूज हो रही है, एक्सटर्नल CSS लगा रहे हो उसकी फाइल्स, HTML की फाइल्स, योर पिक्चर्स फोल्डर, एवरीथिंग इज टू बी स्टोर्ड इन दैट CD। ओके चलो, सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद दी कंसेप्ट ऑफ ऑडियो एंड वीडियो इन HTML। यस अमृतपाल, एनी अदर क्वेश्चन बच्चे? एक चीज और पूछनी थी। हमने CSS कोई भी लगा सकते हैं कि कोई आपने वो दिए सेक्शंस की पहले इंटरनल करनी, फिर एक्सटर्नल, फिर इनलाइन, ये हमारी मर्जी कौन सी भी यू कैन CSS यूज चाहिए। एनी, आप कोई भी पेज पे, फर्स्ट पेज पे चाहे एक्सटर्नल लगा लो, इंटरनल लगा लो, कहने का मतलब है कि आपने हर पेज पे CSS इंक्लूड करनी है। दैट इज प्योरली योर चॉइस कि आप किस पेज पे कौन सी CSS लगा रहे। यू ओके कैन मैम, यूज एनी, थैंक बट यू हैव टू इंप्लीमेंट CSS इन ऑल द पेजेस। यू। ओके और मैम, एक दो पेजेस पे मैंने आपको बोला था यू हैव टू इंसर्ट HTML टेबल, राइट? नाउ द कंसेप्ट ऑफ ऑडियो एंड वीडियो। सो व्हेन यू वांट टू इंसर्ट वीडियो, द टैग वीडियो इज टू बी यूज्ड। नोट डाउन द सिंटेक्स, टू शो द वीडियो और टू इंसर्ट द वीडियो इन HTML वेब पेज, द वीडियो एलिमेंट इज टू बी यूज्ड। वीडियो इज अ कंटेनर टैग, इट इज अ कंटेनर टैग, राइट? सो वट यू हैव टू डू, वीडियो टैग ओपन किया, वीडियो टैग क्लोज किया, एंड इन साइड द वीडियो टैग वी हैव टू यूज द टैग सोर्स। वी हैव टू यूज द टैग सोर्स, दैट इज दैट विल बी यूज जस्ट वीडियो टैग, इट इज अ कंटेनर। आपको करना क्या है, वीडियो टैग को स्टार्ट किया, वीडियो टैग को आपने क्लोज किया, और बीच में यू हैव टू यूज दी सोर्स टैग विच विल गिव दी सोर्स और लोकेशन ऑफ दी फाइल यूजिंग दी एट्रीब्यूट SRC इक्वल टू जो भी आपका URL है, URL ऑफ वीडियो फाइल। ओके, URL ऑफ दी वीडियो फाइल, देन यू कैन ऑल्सो यूज दी टाइप एट्रीब्यूट हियर, टाइप इक्वल टू जैसे हम CSS में करते हैं, एक्सटर्नल CSS में हम वहां पे लगाते हैं ना टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS, द सेम वे नाउ वी आर यूजिंग अ वीडियो हियर, सो वी विल बी राइटिंग वीडियो स्लैश जो भी आपकी वीडियो की एक्सटेंशन है, फॉर एग्जाम्पल ओ डॉट MP4 ले लो, ठीक है? सो लाइक दिस यू हैव टू राइट। आई एम अज्यूमिंग हियर द URL जो आपकी एक्सटेंशन है मूवी फाइल की, दैट इज ऑफ डॉट MP4, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर। अगर आपका कोई और एक्सटेंशन है तो यू हैव टू राइट द सेम एक्सटेंशन हियर एज वेल। सो सोर्स टैग इट इज एन एम्प्टी टैग, वीडियो टैग हमारा कंटेनर टैग है, सोर्स टैग हमारा एम्प्टी है, राइट? नाउ द नेक्स्ट, द एट्रीब्यूट्स ऑफ वीडियो टैग, यू कैन सेट द विड्थ ऑफ योर वीडियो जो भी आप इंसर्ट होगी, जैसे हम इमेज इंसर्ट करते हैं तो इमेज की हाइट विड्थ आती है, द सेम वे आप वैसे ही अपने वीडियो की हाइट सेट कर सकते हैं। वी कैन सेट द विड्थ, देन द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज कंट्रोल्स। इफ यू विल बी यूजिंग द कंट्रोल एट्रीब्यूट, इट विल एड द वीडियो कंट्रोल्स, जो वीडियो के ऊपर कंट्रोल्स आते हैं, दिस एट्रीब्यूट अलाउज यू टू एड द कंट्रोल्स like
कौन कौन से कंट्रोल्स होते हैं वीडियो के ऊपर? हाँ जी बताओ, कौन कौन से कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं? कंट्रोल्स लाइक प्ले बटन, पॉज बटन, वीडियो बटन. सो यू कैन ऐड द कंट्रोल्स लाइक प्ले, पॉज और वॉल्यूम. यही चीज, तीन चीजें आती हैं हमारी जब हम वीडियो करते हैं. तो वीडियो के ऊपर क्या क्या आ रहा होता है आपका? प्ले बटन आ रहा होता है, या तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, या तो आप उसकी वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. सो सिंपली वी हैव टू राइट द कीवर्ड कंट्रोल्स. सो देयर इज नो वैल्यू. आपने किस कैसे लिखना है इसको? वीडियो कंट्रोल्स. तो दिस विल ऑटोमेटिकली अलाउ द कंट्रोल्स टू अपीयर ऑन योर दिस वीडियो, राइट? हाइट एंड विड्थ, इट विल सेट द हाइट एंड विड्थ फॉर द वीडियो. देन सोर्स, सोर्स एलिमेंट विल अलाउज यू टू स्पेसिफाई द यूआरएल और द पाथ ऑफ द वीडियो फाइल एंड द टेक्स्ट बिटवीन द वीडियो एंड द वीडियो टैग. जो भी आपका है ये सब कुछ, वीडियो इज अ कंटेनर टैग. सोर्स जो आपने लगाना है दैट इज टू बी इनसाइड द वीडियो टैग. सो द कोडिंग इज क्लियर. कोडिंग कैसे करनी है? सिंपली बॉडी टैग के अंदर आपको जहां पे भी लगाना है यू कैन यूज दैट. एनी डाउट? यस बच्चे, एनी डाउट? नाउ द अदर एट्रीब्यूट, विड्थ हाइट कंट्रोल, यू कैन यूज ऑटो प्ले. अगर आप कंट्रोल्स लिखते हैं तो उसके ऊपर कंट्रोल्स आ जाएंगे. अगर आप कंट्रोल्स नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो एज सून एज द पेज इज लोडेड वहां पे अपने आप ही वीडियो आपकी ऑटो प्ले हो जाए ऑटोमेटिकली. सो वी विल यूज द एट्रीब्यूट ऑटो प्ले. बट सम ऑफ द ब्राउजर्स डज नॉट सपोर्ट दिस एट्रीब्यूट. लेकिन अगर आप इसके साथ म्यूटेड लगा देंगे दैट मीन्स दीज टू आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट. ऑटो प्ले डिफरेंट है, म्यूटेड डिफरेंट है. ऑटो प्ले का मतलब है द वीडियो विल ऑटोमेटिकली विल बी प्लेइंग व्हेन द पेज विल बी लोड. म्यूट मतलब जब ये पेज लोड हुआ आपकी जो वीडियो फाइल है दैट इज प्लेइंग, बट उसकी कोई साउंड नहीं आएगी, कोई उसकी वॉल्यूम नहीं आएगी. बाय डिफॉल्ट इट इज अपियरिंग इन द म्यूटेड फॉर्म. ओके, ऑटो प्ले म्यूटेड. सो एनी डाउट? यस बच्चे, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो. चले आगे, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो रिस्पॉन्स? यस, नो, कुछ हैंड रेस, कुछ नहीं, नथिंग. नहीं, आपको टॉपिक क्लियर हुआ? द नेक्स्ट इज व्हेन यू वांट टू ऐड ऑडियो फाइल. सो फॉर एडिंग द ऑडियो फाइल द टैग यूज्ड इज ऑडियो. The tag used will be audio. Similarly, जैसे हमने video का tag use किया, same way we will use the tag. There is one different method also for adding the video files. That is through the embed tag. EMBED. चाहे आप video tag use कर लो, चाहे आप embed tag use कर लो, same way में ऐसे. Now instead of video tag, you have to write embed. Okay? सिमिलरली जब आपको ऑडियो यूज करने हैं तो ऑडियो के लिए भी अगेन ऑडियो कंट्रोल्स. इफ यू वांट ऑडियो फाइल के ऊपर भी आपके कंट्रोल्स अपीयर हो लाइक दिस. देन अगेन फॉर गिविंग द सोर्स, सोर्स एसआरसी, हियर पाथ ऑफ ऑडियो फाइल. देन स्पेसिफाई द टाइप एज वेल इन द सेम वे जैसे हमने वीडियो टैग के लिए स्पेसिफाई किया. Type equal to, so many students are joining me. Type equal to audio slash जो भी आप use कर रहे हैं, whatever dot mp3. So this, okay. Then close the audio tag. The attributes same, जैसे आप control use करेंगे तो it will enable the controls over the audio file. If you are using the autoplay, automatically the audio file will be played. And if you want autoplay के साथ लेकिन mute आए, sound नहीं आए, तो autoplay muted. Same जैसे हमने video tag के अंदर use किया. So this was the concept of audio and video
with the help of which we can able to insert audio and video in our web page. I hope this is clear. This is clear to all. Let's do the coding. Okay, firstly same wahi structure aa jayega hamare web page ka. Now I have to include the audio file. So for including the audio file, let it be, we should give some heading first. Right? And here I am giving play the audio file. Close the H1. Now, for inserting the audio file, firstly the tag is to be used, audio, then controls, the screen is visible. बीच में अभी यहां पे बंद हो गया था बच्चों. Tell me the screen is visible. Notepad is visible. Okay. So audio controls, then we have to locate the path, type, जो भी आपकी extension होगी, and then close the audio tag. Similarly, यहाँ पे हम अभी डिफ्रेंशिएट करने के लिए एचआर दे रहे हैं. वन अलाइन इक्वल टू सेंटर. नाउ प्ले दी वीडियो फाइल. ओके, अगेन गिव दी सोर्स. Here it will be again the extension for that. Before that, video controls, and close the video tag. Yes, any doubt? Any doubt, bachche, in the coding? अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली प्ले हो तो यहां पे हम लगाएंगे ऑटो प्ले म्यूटेड. राइट, इफ यू वांट योर ऑडियो टू बी रिपीटेड कॉन्टिन्यूसली, सो वी विल यूज द एट्रीब्यूट लूप. लूप मींस कॉन्टिन्यूसली इट विल प्ले ऑटोमेटिकली. ऑल राइट, सो दीज एट्रीब्यूट्स आर टू बी यूज्ड. अभी आई थिंक राइट नाउ इन माई सिस्टम कोई ऑडियो या वीडियो फाइल पड़ी नहीं होगी. जस्ट लेट मी सी, इट्स नॉट वर्किंग आउट. लेट्स ट्राई. So it's an MP3 file, so MP3 here. So save it using .html. The page is loading. So you can see अभी मैंने यहाँ पे source नहीं दिया, मैंने उसका path नहीं set करा, but even though it has taken its position and this is the audio file which is appearing.
right? So it's working. Okay, how the audio file is to be used. So these are the controls right now you can see available. Play, then seek bar is available, the volume button is there, right? Yes, Amrit. Okay, the output is not visible. Just a second. Now, bachche, tell now the output window is visible. Ab tuni screen freeze hui hai. So this is the audio file we have applied here. Yahan pe humne uska path diya hai. Okay. So controls are automatically appearing here because we have used the attribute controls. So these are the control buttons which are available. All right. यहाँ पे देखो अभी मैंने कोई वीडियो का पाथ नहीं दिया इवन दो इट इज टेकिंग इट्स पोजीशन तो यहाँ पे यू कैन सेट द हाइट एंड विड्थ फॉर द वीडियो फाइल ओके How to use audio tag, controls, then source tag, which is an empty tag, give the location, give the type, and then close the audio tag. If you want it to be autoplay, let's see Chrome is picking this or not. So the attribute autoplay here. Is not picking. That means it might work in Internet Explorer, but it is not picking in the Chrome. ठीक है तो ये issue आपको सिर्फ Chrome में ही आएगा. But if I am using it's muted, autoplay muted. No, it is no doubt. आपने यहाँ पे देखा होगा कि mute होके आ रहा था. But it is not playing automatically. Okay, the controls are still appearing. Clear? Same way you have to write the source for the video file as well. And so let's see. Take the path. Dot mp4. It's of type dot. MP4 and the file name okay now see It is showing me by taking the height and width of 200 pixel. So the video is appearing, the controls are appearing, right? Any doubt in the audio and video to anyone? Clear hai bachche? The concept of audio and video. You can increase the height and width here to see it properly. So now see, okay. So this was the audio that we have insert using the audio tag, and this is the video that is coming from the video tag. Audio tag, then video tag. In between, source tag is to be used where we will be providing the URL or the location of the audio file or the video file. Yes. Any doubt, bachche, to anyone? The concept of audio and video is clear. So let's look at the another method now. That is using the embed method. तो आपने यहाँ पे क्या करना है? Instead of writing the audio tag, you can simply use embed tag. बाकी सब कुछ same वैसा ही रहेगा. Embed tag, src. So जैसे आप source लगाते हैं, तो source के अंदर आप src देते हैं. The same way we have to write embed tag. It is again a empty tag.
the same way source tag. Okay, then src, give the path, set the height and width. Any doubt using the embed tags? So let's look at the attributes now. वहां पे अगर आप वीडियो टैग या ऑडियो टैग यूज कर रहे हो, यू विल बी यूजिंग द एट्रीब्यूट ऑटो प्ले. बट इफ यू आर यूजिंग द एम्बेड टैग, द एट्रीब्यूट ऑटो स्टार्ट इज टू बी यूज्ड. एंड सेट द वैल्यू ट्रू और फॉल्स. इफ यू वांट द वीडियो और द ऑडियो शुड बी प्लेड ऑटोमेटिकली, ऑटो स्टार्ट इक्वल टू ट्रू, अदरवाइज ऑटो स्टार्ट इक्वल टू फॉल्स. ओके. Hidden, it is used to specify that whether the buttons are hidden or not. जो भी आपके ऊपर control buttons आ रहे हैं, अगर आप उनको hide करना चाहते हैं तो hidden equal to false. Otherwise, आपके buttons जो controls हैं, that will be enabled. अब जब हम video या audio tag से कर रहे थे, automatically there is coming the video volume seek bar is appearing. But we can set manually also the volume using the volume attribute. In the volume attribute, you can set the value between 0 to 100. Loop means whether you want your audio or video to be automatically played in a loop, chalte jaye, regularly chalte jaye, to uske liye aapne kya lagana hai? Loop. Okay, loop equal to true or loop equal to false. Now how many times you want to play your file, you can set the play count here. Play count equal to the numeric value, whatever the number you will fixed here, up to that particular times your file will get played. How many times your video should be played. So all these attributes are to be used inside the embed tag. Simply you have to write embed src and then give the path. You can set the height and width as well. Now just look at the sample here. If you are using the video tag, to hume kya lagana attribute controls, video control, and for giving the path, the tag is source. SRC, then give the path. We can set the height and width of our video file. Autoplay, if you want, the video will start playing as soon as it is ready. So Chrome mein bhi dekha, it is not working. So try to use this attribute and try to run this in Internet Explorer or Mozilla Firefox. Koi aur browser mein isko chala ke dekhna, okay? Let's look at the image, the video file formats and the audio file formats, whatever the files supported by the video tag. Agar aap video tag se apni video ko insert kar rahe ho, so try to use the file formats MP4, WebM or AUG. Agar aap embed tag se kar rahe hain, to you can use the file formats MOV, MPEG, WMV or SWF. Shockwave Flash, Window Media Video, QuickTime file format. Next, the audio files, again similarly like video can be inserted by two methods, the same way audio files can also be inserted by two ways, either using the embed tag or using the audio tag. So embed tag se kar rahe ho to embed, give the source, set the volume, set the height and width, and type equal to audio slash whatever the extension of a ऑडियो और वीडियो फाइल. ऑटो स्टार्ट, जैसे हम उसमें क्या करते हैं, अगर आप ऑडियो टैग से करोगे तो यू विल बी यूजिंग ऑटो प्ले. सेम एम्बेड टैग में हमने क्या लगाना है, ऑटो स्टार्ट. इफ यू वांट द साउंड शुड बी प्लेड अगेन एंड अगेन इन लूप, तो वी विल बी राइटिंग लूप. वॉल्यूम वी कैन सेट अप टू 100 एंड यूजिंग ऑडियो टैग सिंपली यू हैव टू राइट ऑडियो कंट्रोल्स सोर्स src इक्वल टू then the path, volume, type, loop equal to true. Clear? So these are the audio file formats, MP3, WAV and AUG files. Any doubt in the audio and video to anyone? Yes, bachche. Any doubt? हम यहाँ पे एम्बेड टैग से भी कर लेते हैं एक बारी. सो दिस वॉज यूजिंग ऑडियो टैग इज टू बी यूज्ड विद एम्बेड, एम्बेड एसआरसी. सो गिव द पाथ, यूज द टाइप एट्रीब्यूट ऑडियो स्लैश देन द एक्सटेंशन हियर. यू कैन सेट द वॉल्यूम.
जितनी भी आपको वॉल्यूम रखनी है। ओके लेट्स टेक सम अनदर ऑडियो फाइल है। अर्लियर हमने कौन सी यूज करी है यहाँ पे, वी हैव यूज थ्री। ओके कॉपी दी बात, इन दी सोर्स टू डॉट MP3। ऑल राइट नाउ सी दी डिफरेंस, यहाँ पे हम ऑडियो टैग लगा रहे हैं, सोर्स टैग लगा रहे हैं, यहाँ पे वी आर सिंपली यूजिंग दी वन सिंगल टैग दैट इज एम्बेड। सो इट इज शोइंग मी दैट द प्लगइन इज नॉट सपोर्टेड, तो माइट बी उसके लिए एम्बेड टैग इज नॉट वर्किंग इन द क्रोम एज वेल। ओके सो द कंसेप्ट ऑफ ऑडियो एंड वीडियो, एनी डाउट? शिवांश विच विंडो बच्चे यू आर आस्किंग मी टू शेयर? स्क्रीन बच्चे मैंने शेयर करी हुई है, आई हैव शेयर द स्क्रीन। बेस्ट वेट एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑडियो टैग। ओके कृषान, एट्रीब्यूट्स बच्चे जो ऑडियो टैग में आपने यूज करने हैं, कंट्रोल्स, यू कैन यूज कंट्रोल्स। सेकेंड वन ऑटो प्ले, ऑटो प्ले यू कैन यूज लूप, हाइट, विड्थ, म्यूटेड, ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं दीज आर ऑफ द ऑडियो टैग और द वीडियो टैग। ओके ऑटो प्ले, म्यूटेड, कंट्रोल्स, हाइट एंड विड्थ, लूप। Any other doubt? Krishan, is it clear now? Yes, Krishan. Okay. Any other doubt, anyone? Okay, Rishit, this label, CSS, HTML. Okay, Shantu, I will send bache. Rishit, this you can note down CSS, HTML mein links, tables, audio, video. And the complete internet, complete chapter of internet. I think two chapters, first two chapters are there in the book. So give it a practice today. I will send you the syntax of this audio and video. So try this. Download some of the audio and video files from the internet. You can download from the YouTube also through the YouTube downloader. Aap download karke rakh lena files and then just copy the path and implement inside the web pages. Aap apne project pe bhi use kar sakte hain. Kisi ek ek web page pe kahin pe kuch apni video jo audio insert karke dekh lena. Coding mein to aa hi jayegi wo cheez. All right. Yes, Himani, you can copy in the CD, bache, you can. All right.